रूमी की इद्दत खत्म हुई है, मैंने भी घर पे कुरान खानी रखवाई थी। अच्छी बात है, अब तो ताबिश को सिर्फ यही पहुंचेगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। असर के टाइम पे मौलवी साहब आ जाएंगे तो हम कुरान खानी का ख़त्म दिला देंगे, बाकी इंतज़ाम मैं देख लूँगी। शायद मौलवी साहिबान आ गए, मैं देखता हूँ। जी, बस आप रूमी का ख्याल रखें। सब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बस मेरे आहिल और मेरी रूमी के लिए दुआ करना, ये दोनों हमेशा खुश रहें। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब। शरई और मजहबी लिहाज से तो आज तुम्हारे शोहर का शोक खत्म हो गया, लेकिन शोहर से बिछड़ने का जो दुख है ना, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। अभी मैं पापा से मिलना चाहती। हाँ जरूर, सब बाहर बैठे, अब मिल के साथ ही चलो। प्लीज आप लोग मुझे खुद से अलग मत करिएगा, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ आपकी आपकी बेटी बनकर। बेटा तुम बेटी हो मेरी, ये तुम्हारा घर है, तुम अब बीच में उसी तरह रहोगी जैसे पहले रहती थी। क्या कभी कोई अपनी औलाद को अलग करता है? ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहले तो इस घर में तुम बहू बन के रहती थी, अगर अब तुम इस घर की बेटी हो बेटा तो बिल्कुल घर में बेटियों की तरह रहोगी।